अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं आपको एनएस हेल्दी टिप्स में। सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है और इन मौसम की खसूसियात ये होती है कि इनमें मुख्तलिफ किस्म के हलवे बनाए जाते हैं। आज हम आपको बहुत ही मज़ेदार सा सूजी का हलवा बनाना सिखाएंगे। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स मैंने लिए हैं उसे मैंने एक कप चीनी ली है, एक कप सूजी लिया है और जो हमने गार्निश के लिए जो आपको जितने भी आपको जो ड्राई फ्रूट्स पसंद है वो आप डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने बादाम की गिरियों को भिगो कर साफ़ कर लिया है, किशमिश ली है, काजू लिए हैं। मैंने जो खोपरा था वो भी बादाम के साथ ही पानी में डाल दिया था, वो भी नरम हो गया, उसको काट लिया है। और दो से तीन आपने इलायची ले ली, अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो आप वो भी डाल सकते हैं। आपने जितनी क्वांटिटी लेनी है चीनी, सूजी और घी, इन तीनों की क्वांटिटी एक जितनी होगी। जैसे यहाँ पर मैंने एक कप सूजी लिया है तो आपने एक कप चीनी और एक कप घी लेना है। तो यहाँ पर जो चीनी है इसके अंदर आप पिंच ऑफ सॉल्ट भी डालेंगे, पिंच ऑफ सॉल्ट है वो आप डाल देंगे। और इसको एक कप जो है चीनी है तो आप चार कप पानी लेंगे, चार कप पानी ले लिया है यहाँ पे। और ये चीनी और एक पिंच सॉल्ट जो है वो इसके अंदर जाएगा, जिसमें नर्स पानी, और इसको हम चूल्हे पे रख देंगे ताकि हमारा शीरा तैयार हो जाए। अब इसमें जो एक कप हमने घी लिया है वो डाल दिया है, मैंने बनस्पति लिया, अगर आप देसी घी या बटर इस्तेमाल करते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर घी लिया है। अब इसके अंदर हम सूजी जो एक कप है वो ले लेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सूजी की हम बुनाई करेंगे। आपने सूजी को तब तक भुनना है जब तक कि ये इसमें से अलहदा से घी छोड़ ना दे और इसमें से आपको हल्की हल्की से खुशबू आने लग जाएगी। प्यारी सी गोल्डन गोल्डन से आपकी जो है सूजी हो गई है। बहुत ज़्यादा ब्राउन मत करें, उसका लुक सारा ख़राब हो जाता है। और आपने हल्की आंच पे इसकी भुनाई करनी है। ये देखें सूजी और घी बिल्कुल अलहदा हो गया है, बहुत ही खूबसूरत से खुशबू आ रही है। अब इसके अंदर जो हमने पानी का शीरा तैयार किया है वो शीरा आहिस्ता आहिस्ता करके डालेंगे, इसमें आहिस्ता से डालेंगे, आहिस्ता आहिस्ता बहुत ख्याल से अपने आँच हल्की कर लेनी है और पानी जो है आहिस्ता आहिस्ता डालते जाना। अब इसके अंदर जो है आपने पहले जब पानी आपने डालना शीरा जो है उसका, उस वक्त जो है आपने आँच जो है हल्की कर लेनी है। अभी जो है अब आपने पानी जब शीरा डाल दिया तो आपने आँच इसकी तेज़ कर लेनी है थोड़ी सी। अब इसके अंदर जो है इलायची जाएगी, और जो आपके सारे ड्राई फ्रूट्स हमने लिए थे वो सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको हम जब तक ये थिक होता है तब तक पकाएंगे। बहुत जल्द थिक हो जाता है, कुछ लोगों को पतला हलवा भी अच्छा लगता है, जिसको शीरा कहते हैं वो भी इसी तरह है, बस उसमें ज़्यादा थिकनेस नहीं होती। अब देखें इसको आहिस्ता आहिस्ता, अब इसका जो है आपने जो जो है वो स्पून इस तरह से हिलाना है जब तक ये थिक ना हो जाए। बस कुछ ही मिनट्स में ये अब थिक हो जाएगा। अब देखें इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता थिक होता जाएगा, देखें इसकी कंसिस्टेंसी। अब इसको इस तरह से हिलाते रहना है, ये देखें ये थिक हो गया अच्छे से माशाल्लाह। अब जो है इसको मैं 5 टू 10 मिनट्स के लिए हल्के से दम पे हल्की आंच पे रखूँगी, फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हलवा तैयार हो गया है। 5 से 10 मिनट जो मैंने इसको हल्की आंच पे दम पे रखा, दम रखने के बाद देखिए सूजी इस तरह से जो है वो खिल जाती है और उसका टेक्सचर भी अच्छा हो जाता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फिर मिलेंगे आपसे एक बहुत अच्छी रेसिपी के साथ। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम अच्छी रेसिपीज़ मिलती रहें। थैंक यू, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे फिर एक अच्छी एक रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।